सूत्रों को पढ़ने के लिए बहुत समझ चाहिए। परस्पर प्रगोहो जीवानाम, और जीव भी जीव का उपकार करता है, जीव भी जीव का उपकार, उपकार ही तो चल रहा है। मित्र गुरु शिष्य को पढ़ाता है, शिष्य गुरु की सेवा में लगा है, पिता पुत्र की सेवा कर रहा है, पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, ये परस्पर गुरु जीवानाम। आपने गाय को सानी दी, गाय ने आपको दूध दिया, परस्पर गुरु जीवानाम, ये एक जीव दूसरे जीव का उपकार कर रहा है। आप फलवान वृक्ष को जल देते हो, वो आपको फल देता है, परस्पर गुरु जीवानाम। इसलिए हर खेत के ऊपर एक बोर्ड लगा रहना चाहिए, हर उद्यान में, हर नदी के किनारे, हर गौशाला में लिखा रहना चाहिए परस्पर गुरु जीवानाम। और खास करके पशुओं के गले में लटका रहना चाहिए, बोले क्यों हम आपको दूध दिए हैं, अब कम से कम तो मुझे जीने दो, परस्पर गुरु जीवानाम, हमने तुम्हारा इतना उपकार किया है, आप भी उपकार को मेरी हत्या मत करो। परस्पर गुरु जीवानाम, यही तो उपकार है। आप मित्र, आपको मालूम 10 दिन तक एक से तुम्हें भोजन दिया तो तुम नाक सिकुड़ जाएगी, बदलता रहता है। ऐसे ही आपको मालूम जो इंद्रिय सुख है वो भी पुद्गल का उपकार है, दुख है वो भी पुद्गल का उपकार है, जो उपकृत के उपकार। अब क्या हुआ, संघात, तब भी स्कंद होता है, अब क्या हुआ संघात पैन, तू वेद से भी स्कंद होता है और संघात से भी उत्पन्न होता है। स्कंद की उत्पत्ति दोनों से होती है, परंतु जो अड़ु होता है, वेदाधड़ु अणु, अब जैन दर्शन अणु परमाणु को दो भिन्न द्रव नहीं देखता है, अखंड एक द्रव देखता है। तो अणु जो है ना, परमाणु जो है, उसकी उत्पत्ति भेद से ही होती है, संघात से नहीं होती है। अणु उसे कहते हैं जो पुद्र द्रव का अविभाज्य भाग है, उसका नाम परमाणु। मतलब जिसका पुनः विभाग अब नहीं हो सकता है, उसका नाम परमाणु। इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि जो भेद किए हैं, ये सब स्कंदों के भेद हैं, ये परमाणुओं के भेद नहीं है। और आप कहो कि गुरुजी वैज्ञानिक तो दिखा रहे हैं, अरे मित्र किसी के दिखाने मात्र से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती है, और नहीं दिखने से वस्तु नाश को प्राप्त नहीं होती है। एक प्रश्न है, यानी सबसे पीछे जो बैठे खड़े हो जाना जरा, सबसे पीछे कौन बैठा है? जय भाई मुमुक्षु, क्या दिख रहा है, रेखा दिख रही कि नहीं? नहीं है ना, तो ऐसा सबको बोलना सिखाओ ना, दिख नहीं रही है तो सही। ऐसे ज्ञानी आकाश में विमान उड़ रहा था, वो बच्चे नीचे से देखते हो गया, फिर थोड़ी देर बाद दिखना बंद हो जाता है, तो विमान नष्ट हो गया ना ज्ञानी, विमान नष्ट नहीं हो गया, तुम्हारी आंखों की दृष्टि की योग्यता देखने की समाप्त हो गई है, विमान तो अपनी गति में जा रहा है। ऐसी वस्तु तो वस्तु है, परमाणु परमाणु है, तुमको दिखना बंद हो गया है। आप केवली बनना सीखो, लेकिन वस्तु का अभाव करना मत सीखो। जितने देश में मनीषी है मनीष, उनसे कहो मित्र इतनी सी छोटी सी बात पर मैं आगे बहुत सूत्रों, समय हो चुका है। महात्मा विष्णु सागर जी, मोच तो चले गए भगवान, आप तो मेरी तरफ देखो, मोच जाएंगे कैसे भगवान, उसको सीखो। अब महात्मा जी अनंग सागर जी ने कहा, बेटा जाओ एक फोटो की फ्रेम करा के ला। और उन्होंने फोटो दे दिया आपको, तस्वीर अपनी माँ की, सुमकी माँ की, अम्मा की फोटो दे दी आपको, और कहा जाओ सागर के बड़े बाजार में फ्रेम करा के लाओ। जब फ्रेम कराने ले गए आप, तो फ्रेम छोटे छोटे थे, जब छोटे छोटे थे माँ का फोटो थोड़ा बड़ा था,
उसने कैंची उठाई और धीरे से वो छांटना प्रारंभ करता है। आप क्या बोलोगे? बालक चीख पड़ा, बोले नहीं नहीं नहीं, आपके पास प्रेम बड़ा हो तो लगा दीजिए, पर मेरी मां की तस्वीर को कैंची मत चलाइए। बेटा रो पड़ा, ठहरिए, कैंची रखिए, प्रेम बड़ा हो तो जड़ दीजिए, अन्यथा मुझे वापस कर दो, मैं अपनी मां की तस्वीर को छटने नहीं दूंगा। अहो देश के विद्वानों, तुम्हारा प्रेम बड़ा हो तो जल लीजिए, लेकिन मेरी मां जिनवाणी की छांट काट मत कीजिए। अपने प्रेम को बढ़ाइए, अपने प्रेम को बढ़ाइए, मां जिनवाणी को काट छांट मत कीजिए। बुद्धि नहीं है तो बुद्धि बढ़ाइए, लेकिन ऐसा मत कहिए कि जय कुमार कहे कि अब विमान समाप्त हो गया। विमान समाप्त नहीं हुआ है, तुम्हारी आंखों की देखने की क्षमता समाप्त हो गई है। आया समझ में? तो चलिए फिर आगे। भी संगताभ्याम चक्षुषः, भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद उत्पन्न होता है। जब जब ये बड़े महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं ना, तब तक समय पूरा हो जाता है। सद्रम लक्षणम, यही तो मूल सूत्र है ब्रह्मांड में सबका ईश्वर, ये ईश्वर। सद्रव लक्षणम, द्रव की लक्षण सत है। गुणेशु बालक, कम से कम घर में नहीं पढ़ पाओ, इन तत्वों को सुन लो, कुछ ना कुछ तो मस्तिष्क में रहेगा कि हमने मधुबन में सम्मेलन में तत्वासु सुना था। द्रव्य का लक्षण सत है। उत्पावे ध्रुवतम सत, जो उत्पावे ध्रुव से युक्त है उसका नाम सत है। तद्भाव्यम नित्यम, और तद्भाव अभ्यम नित्यम, अपने स्वभाव का व्यय नहीं करना। सेठी जी, इसका नाम नित्य है, मैं बदलता रहूंगा। व्यवहार ऐसा कहेगा पर सत्य है, देह बदलेगी, शरीर बदलेंगे, पर्याय बदलेंगे, मेरा ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं बदले, वो नित्य है, नहीं बदलेगा। ऐसा कोई भी ध्रुव नहीं बदलेगा, सभी द्रव्य नित्य हैं। इसलिए इस विषय को जानने के लिए, वस्तु समझने के लिए आपको अनेकान समझना पड़ेगा। वो अनेकान समझने के लिए अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। आह भाई काला जी, आप तो बड़े सुंदर दिख रहे हो, बूढ़े होने पर भी खड़े तो हो जाते ना। शुरू हो जाइए, आपका जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर में। पर पूरी मारवाड़ी तो आप तक अभी तक भूले ही नहीं हो, वो काला से मारवाड़ी में बोलो ना। कटेश आया नहीं पूछना है, ये पूछो वो राजस्थान में जो मटकी में मथानी चलती तो कैसे चलती है, पूछो भाई। बोलो मारवाड़ी, इतने समय कहाँ मेरे पास। कलकत्ता में सारे जैनी मारवाड़ी बोलते हैं, पूछो पूछो। अच्छा काला जी, आप ही बताइए मथानी कैसे चलती है? ऐसे कुएं से पानी भरते हैं? मुझे सिखा रहे भैया, हमने दोनों काम देखे हैं। थोड़ा आप कमर को थोड़ा ये करो, ये बोटो भैया आपने मथानी नहीं सिखाई इनको इतने दिन तक। हाँ और अच्छे से करो, बोटो भैया तक खड़े होकर सिखाओ। ओहो हो, तो ना कमर टेढ़ी करो, कमर झुकाओ। हाँ ये एक ने कर संती, एक ने सतलंती, एक ने कर संती, एक ने सतलंती, अर्पिता नर्पित सिद्धे, बोलते जाओ, भजन गाओ, अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे,
यानी एक रस्सी को ढीला करना पड़ता है, एक को खींचना पड़ता है, तब रही चलती मथानी, तब मक्खन निकलता है। ऐसे ही मनीष, एक नए को ढीला करो, एक को खींचो, तब निर्मित भेद विज्ञान की मथानी चलेगी। कभी निश्चय की डोरी खींचो तो कहीं विभाग को छोड़ो, कहीं विभाग की, लेकिन छोड़ना नहीं है, पकड़े दोनों को लेना है। यही वस्तु, यही जैनी की नीति है। जैसे गोपका की मथानी दोनों रस्सियां चलती हैं, यूं यूं ऐसे मित्र जैनी नीति है कि अर्पिता नरपिसिद्धे। राम पिता हैं, राम भाई हैं, राम जमाई हैं, राम पति हैं, राम पति हैं, राम पिता हैं, एक राम है फिर भी अनेक राम है। बोले कैसे राम? कौशल्या के राम बेटा है, सीता के राम पति है, लवकुश के राम पिता है, लक्ष्मण के राम भाई है, राम एक है, राम सात अनेक है, अर्पिता नरपिसिद्धे। इसका नाम अनेकांत है। आगे समझ में? अब ऐसा करना, जो मई मथानी पटक के कहीं रख दी ना, उसको उठा लाना, अब घर में कम से कम रखे रहो अनेकांत के लिए बिराजो। मिक्सी चल गई विश्व सागरी, मिक्सी के मट्ठा पी रहे, सही तो शरीर खराब हो रहा है, मथानी का पियो ना। अर्पिता नरपिसिद्धे, स्निग्धत्वात् बंधा, स्निग्ध और रुक्ष से बंद होता है समय। न जगन्न गुणानाम, हे मित्र, जगन गुड़ वालों का बंद नहीं होता है। माँ आटे का लड्डू चाशनी स्निग्ध है, आटा रुक्ष है, दोनों को मिला के लड्डू बनता, पर कैसे? जगन गुड़ का नहीं बनता। गुड़ साम्य सदृशानाम, और सदृश गुणों का भी नहीं बनता। कहीं लपसी बनाओगे तो कहीं हलवा बनाओगे, लेकिन लड्डू कब बनेगा? दुधि कादि गुणानांतु, दो गुण अधिक होंगे। जितने जो भवन बने, जितना लोक में काम हो रहा है दिनेश इंजीनियर का, सब इस सूत्र के अनुसार सारा है। दुधि कादि गुणानांतु, दो गुण अधिक होना चाहिए तभी मेरे मित्र काम बनेगा। सीमेंट सीमेंट से काम नहीं चलता है, बालू चाहिए। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा, ऐसे राग स्निग्ध है, देश रुक्ष है। मालिक भैया बेटा समझ गया नहीं, छोड़ मत देना तो सोचना पड़ जाएगा। एक लोभी सेठ था किशोर जी जैसा, वो बिल्कुल दान नहीं दे रहा था। किशोर भैया बोले, पत्नी ने सोचा ये तो परमेश्वर मंदिर भी नहीं जाता, सो इन्होंने बागवान को सेट किया, उसकी देवी ने, और ऐसा सेट किया, एक थैली पकड़ा दी नोटों की। बोले मेरे स्वामी यहाँ, तुम उसके दूर से देखे देहरी पे फैला देना। बोले तुम जाओ तो कुछ मिलेगा, लाभ मिलेगा। बोले ठीक, जाता हूँ। तो वो तो पत्नी दे चुकी थी नोट, उसने फैला दिए। इनने किशोर ने देखा, चलो ये बढ़िया है, मंदिर ही तो आना है, नोट गड्डी मिल गई अपन को, रखी जेब में, अब पहुँच गया घर। बोले दर्शन कराए? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? अरे नोट मिल गया, तुम टेंशन में, कल भी जाऊँगा, कल भी चला गया। सो बगल में महाराज जी बैठे थे, प्रवचन चल रहे थे। अब सोचता कि गुड्डी तो मिल ही रही है, पर वो पैसा तो मिल ही रहा है, चलो ये क्या बोले और सुन लेते हैं। भी सुनने बैठ गए। अब महाराजों के तो आवे, भैया छोड़ो छोड़ो, जैसी पूछ। बोले छोड़ो भैया। बोले क्या छोड़े? बोले कुछ तो छोड़ो। बोले मिट्टी छोड़ो, पत्थर छोड़ो, कुछ तो छोड़ो। वो बड़ा चतुर था भाई किशोर, वो सोचता भाई। बोले ये ठीक है, पत्थर छोड़े तो कौन खाते हम। बोले छोड़ो पत्थर, और उठाए नोट, घर आ गए। अब देवी से कहते, सुनो ना, हम तुम्हें महाराज को चढ़ाया है। बोले क्या? बे कह रहे थे कुछ तो भी छोड़ो, पत्थर छोड़ो, मिट्टी छोड़ो। तो पत्नी बोली, क्या छोड़े आए? बोले पत्थर। बोले बाप रे, तुम पत्थर छोड़े आए, इतना बड़ा त्याग कर आए तुम। बोले ये क्या हुआ? बोले क्या हुआ, तुम तो बड़े त्यागी हो गए, अब रोटी कैसे खाओगे? बोले इसलिए तो मंदिर जाता नहीं था। बोले जब चक्की चलेगी ना तो टकती ना, वे छेद कहां से भर गए? पिस पिस के उसके कंध झर झर के आटे मिल गए, और तुम पत्थर छोड़ के आ गए।
बोले अब क्या करें, अमन छोड़ दे पत्थर। ओहो, लेकिन पत्नी ने कहा तुम चिंता मत करो, आपने क्या किया ना, जब सात फेरे पड़ रहे थे तब पंडित जी ने क्या बोला था कि तुम्हारे धर्म का पालन हम कराएंगे, आप हमारे धर्म का पालन कराना। अब देखो कल तुम चिंता मत करो। अब बेचारा चिल्ला क्या खाऊंगा क्या खाऊंगा, चिंता मत करो, खाने का समय फिर खाना। उसने बढ़िया गेहूं लिए अच्छे बढ़िया, वो खलगत्ते में कूटे और कूट कूट करके बढ़िया हलवा बनाया। अब तो किशोर सेठ जी की पांचों उंगलियां हलिया में घी भरा था। बोले परमेश्वरी जब इतना सुंदर बनाना जानती है इतने दिन तक क्यों नहीं खिलाया, तो वो कहती परमेश्वरी इतने दिन तक तुमने त्याग काय नहीं करो। ओ, 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 ओ। देख ले अमन, छोड़ दे पत्थर, छोड़ दे बैठ जा। ओहो हो, बंदित को प्राणम तुम्हें छोड़ के दिखा दो फिर। जिसके सक्तन अधिक होते हैं अपने रूप पण का, देखो इन शब्दों के सक्तन अधिक थे ना तो तुम सब एक साथ मुस्कुरा गए, ये तो मैंने आपको दिखाया। वे कह रहे हैं बोलो जल्दी आत्मा स्वाम प्रभाव हिंडम गुण प्रयोग द्रव्य, जो गुणों से पर्याय से युक्त होता है उसका नाम द्रव्य। भैया मेरे अनुज विष्णु साई सीखो आचार बनने, तो ये तुम्हें सब सीखने पड़े, थोड़ा मुस्कुराना भी सीखो। ओहो, गुणों से पर्यांश उत्तर नाम द्रव्य, कालश्च काल भी द्रव्य है। एक आपके जैन परंपरा में श्वेत पट परंपरा में कुछ लोग काल को द्रव्य नहीं मानते पर्याय मानते, लेकिन बिना द्रव्य के कोई पर्याय नाम की वस्तु नहीं होती है। सो अनंत समय, जो कि अनंत समय वाला है, तो द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से होता है पर जिसका कोई गुण नहीं होता है उसका नाम गुण होता है। तद्भाव परिणाम, और उसका होना प्रति समय बदलते ना परिणाम है, लेकिन फिर भी द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है। इस प्रकार से तत्वज्ञ मूल शास्त्र में पंचम अध्याय नमो नमः, आज पांचम अध्याय पूर्ण हुआ है, कल आओगे क्या मित्र पर, तो कल छठवां अध्याय पूर्ण पढ़ेंगे। इसमें अशु आश्रम की व्याख्या है और तीर्थंकर प्रकृति की भावनाओं की व्याख्या है, इस प्रकार शेष पुराण विचार करेंगे। अब आप लोग पानी पिया, प्रतिकरण किसको कराना भाई, समुद्र तो सागर प्रतिकरण कराएंगे, लेकिन पहले प्रतिकरण फिर व्याख्या। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम आत्मा का स्वभाव प्रवर्तन भिन्नमाबीर स्वामी की।